गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल को लेकर आई गुड न्यूज। जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। गुजरात में आने वाले चुनाव में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की अहम भूमिका रहने वाली है। वह गुजरात की जनता में एक सर्वस्वीकृत नेता है। उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलों में कोई तथ्य नहीं है। ऐसा बयान गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में दिया है। आने वाले दिनों में हार्दिक पटेल पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद भी रघु शर्मा ने जताई है। दूसरी ओर हार्दिक पटेल ने यह भी संकेत दिया है कि जो भी नाराजगी का कारण था उनका निराकरण जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। गुजरात की जनता की भलाई के लिए वह कांग्रेस के साथ रहकर अपने से जो भी हो सकेगा वह करेंगे। उन्होंने गुजरात के बड़े पाटीदार नेता नरेश पटेल को भी राजनीति में आने को कहा है। चूंकि हार्दिक अभी कांग्रेस में है तो नरेश पटेल कांग्रेस के साथ जुड़ी ऐसी इच्छा भी जताई है। इतना ही नहीं, नरेश पटेल के जैसे और भी सामाजिक लोग गुजरात के विकास के लिए एक मंच पर आए, ऐसा आह्वान भी किया। प्रशांत किशोर के मामले में उन्होंने यह कहा कि प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजिस्ट हैं। चुनाव को ऐसे बनाना, कैसे बिगाड़ना है, यह भूमिका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की रहती है। हालांकि प्रशांत किशोर की कांग्रेस से जुड़ने की अटकलों पर हार्दिक ने कहा कि इस मामले में उन्हें ज्यादा पता नहीं है और वह जानना भी नहीं चाहते हैं। जो भी हकीकत थी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट में स्वयं स्पष्ट कर दिया। कल हार्दिक पटेल के पिताजी की पुण्यतिथि पर एक धार्मिक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में पधारे वड़ताल स्वामी नारायण संप्रदाय के संत नौतम स्वामी ने तो न्योता दे दिया कि हार्दिक हिंदूवादी पार्टी से सम्मानित हो। नौतम स्वामी गुजरात प्रांत के अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष भी हैं।